हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू कुक इजी एंड डिलीशियस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी लंच बॉक्स रेसिपी शेयर करूंगी। सुबह सुबह हम लेडीज़ का प्रॉब्लम रहता है कि बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में कुछ हेल्दी टेस्टी बनाएं और वो भी फटाफट से बनकर तैयार हो जाए। तो आज ये पनीर रोल की रेसिपी बहुत ही ईजी वे में आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आप मिनटों में बनाकर तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, डो प्रिपेयर करना है। तो मैं यहाँ पर डो के लिए 1 कप मैदा और 1/3 कप गेहूं के आटे का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो आधा मैदा आधे गेहूं का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक डो प्रिपेयर करेंगे। मैदा ऐड करने से फ़ायदा ये होता है, जो हमारा जो पराठा या रोल का जो भी हम रैप बनाते हैं, उसका कलर जो है ना काफ़ी अच्छा रखता है, मतलब वाइट रहता है और देखने में बिल्कुल मार्केट जैसा लुक आता है। आप बनाने के लिए इसे गेहूं के आटे से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैदा और गेहूं से मार्केट जैसा लुक आता है। इसके बाद इसको ऑयल से ग्रीस करके 10 से 12 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद ना मैंने उस आटे में से इस तरीके की एक बॉल निकाल ली, जैसे हम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, बेलन की मदद से आपने बहुत पतला बेल लेना है। शुरू में आपने बिल्कुल शेप का ध्यान नहीं रखना, मैं क्या करूँ यहाँ पर सिर्फ पतला बेल कर बड़ा बेलना है। ये देखिए, इस तरीके से जैसे हम रोटी के लिए बेलते हैं ना। फिर मैंने इस पर ऑयल ग्रीस कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से इसकी प्लेट्स बनाएंगे। देखिए, पीछे की तरफ आपने फोल्ड करते हुए जाना है और इस तरीके से। इससे क्या होगा, काफ़ी सारी लेयर्स जो होंगी वो पराठे में आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप जब भी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा दिखता है रोल हमारा देखने में। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए इसका फिर से एक गोल पेड़ा बना लेंगे। तो आप क्या करें, शुरू में सारे पेड़े इस तरीके से बनाकर तैयार कर लें और फिर प्रेस करेंगे हम दोबारा से, सूखे आटे में डस्ट करेंगे और फिर दोबारा से इसका क्या बनाएंगे, रोटी की तरह इसको बड़ा बेल लेंगे। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप चाहें तो रात में ही आटा लगाकर और इस तरीके से पराठे बनाकर उसे कच्चा पक्का करके रख सकते हैं और सुबह होते ही उसको पराठे को फ्राई कर लें और उसके अंदर जो हमारी स्टफिंग है उसको ऐड कर सकते हैं। तो इस पनीर रोल की सबसे अच्छी बात यह है कि आधा काम जो है हम रात में ही करके रख सकते हैं, सिर्फ सुबह में आपने पराठे को सेकना है और वेजिटेबल्स को उसके अंदर ऐड करके रैप बना देना है। तो ये देखिए, ये रेडी हो चुका है, इसको हम साइड में रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, पैन के अंदर ऑयल ऐड किया है। साथ ही मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, मैंने यहाँ पर एक हरी मिर्च ली थी, उसको मैंने कट कर लिया। उसके बाद मैंने अनियन ली है, उसको स्लाइसिस में कट कर लिया था रफली। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सॉटे कर लेंगे। सब्जियों को हमने ना कुक नहीं करना है, बस 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है, जिससे कि वेजीज जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। साथ ही मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, ये मेरे पास ये पीली वाली शिमला मिर्च थी, इसको मैंने लेंथ वाइज कट कर लिया है और ये लाल वाली शिमला मिर्च को भी। तो ये कलरफुल चीज़ें जो है ना बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो इन सारी वेजीज़ को हम क्या करेंगे, सॉटे कर लेंगे अच्छे से, ताकि वेजीज़ जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है ये। अब साथ ही इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना पनीर भी लिया था, पनीर को भी मैं लेंथ वाइज मैंने कट किया था और स्पाइसेस मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स और नमक ऐड किया है। और साथ ही मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब रेड चिली सॉस ऐड कर दूँगी, इससे इसका फ्लेवर जो है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये पनीर जो है ना, इसको मैंने लंबाई में इसलिए कट किया है क्योंकि मैंने और वेजीज़ को भी जो है ना लेंथ वाइज कट किया था। तो ये देख सकते हैं, ये हमारी बहुत ही अच्छी सी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। तो बिल्कुल अब ये रेडी है। अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब लास्ट में मैं इसको गार्निश करने के लिए थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया ऐड करूँगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो स्टफिंग भी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने ना तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हमने जो पराठा बेल कर रखा था उसको हम तवे पर डाल देंगे। जैसे ये एक साइड से हल्के हल्के बबल्स आने लगेंगे, हम इसको पलट देंगे। ये देखिए, अगर आप रात में इस रैप को बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से हल्का कच्चा पक्का करके इसको बटर पेपर के ऊपर रख सकते हैं। फ्रोज़न पराठा कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप विज़िट कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने इसकी एक साइड पर ऑयल लगा लिया, अब दूसरी साइड पर भी अच्छे बबल्स आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पर भी ऑयल लगाएंगे और इसको पलटते हुए हमने क्या करना है, अच्छे से सेक लेना है ताकि इस पर अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए कितने अच्छे इस पर डॉट्स आ चुके हैं। तो इस तरीके से अगर आप रैप बनाकर रखते हैं ना, तो उसे अगर आपको रात में ही रखना है तो आप कच्चा पक्का करके रख लीजिए, सुबह में इस तरीके से ऑयल से सेक लीजिए। तो मैं अभी बना रही हूँ तो इसलिए मैं पूरा इसको सेक रही हूँ। तो ये बहुत अच्छे से सिक चुका है, अब हम क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे। इसी तरीके से आपने क्या करना है, सारे पराठों को बनाकर तैयार कर लेना है। रैप के लिए जितने भी पराठे आपने तैयार करने हैं, बिल्कुल परफेक्ट रैप बनता है इससे।
तो अब मैंने इस रैप के ऊपर 1 टेबल स्पून मेयोनीज़ ऐड की है और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने केचप ऐड की है। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करते हुए अच्छे से क्या करेंगे, स्प्रेड कर लेंगे। रैप कह लीजिए, रोल कह लीजिए, कुछ भी कह लें, बचपन में जो हमारी मम्मियाँ हमें जो सब्ज़ी होती थी ना, वो रोटी के अंदर इसी तरीके से फोल्ड करके दे देती थी जब हम बाहर खेलने जाते थे, तो ये वही आज थोड़े ट्रेंडिंग उसमें चल चुका है जिसे रैप या रोल कहते हैं। तो वही चीज़ है, बस क्या थोड़ी सी इसमें चेंजेस आ गए हैं इस तरीके से। तो आप क्या कर सकते हैं, इस वेजिटेबल्स को लेंथ वाइज इसके अंदर ऐड कर दें, साथ में थोड़े से सैलेड ऐड कर दें, जैसे कि मैंने क्यूकम्बर ऐड किया है, थोड़े से अनियन के स्लाइसेस ऐड किए हैं। बस सलाद थोड़ा कम ही रखें क्योंकि बच्चों को ना सलाद कम पसंद होता है। तो बस इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर देंगे और एक टूथपिक जो है इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, जिससे इसको कैरी करना आसान हो, बच्चों को उठाएँ तब इसकी स्टफिंग बाहर ना आए। तो ये रोल जो है हमारा बहुत इजीली रेडी हो चुका है। तो ये फटाफट से बन जाने वाली एक इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी है जो बच्चों के लंच बॉक्स में आप पैक कर सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपीज़ अगर अच्छी लगती हैं तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं और बेल आइकन को भी प्रेस करें और मेरी वीडियोज़ जो है अपनी फैमिली मेम्बर फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।